वेलकम फ्रेंड्स फॉर द एग्जाम ऑफ यूपीएससी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं ठीक है तो से 300 मार्क्स में से so, 300 में का एक का 160 नंबर कट ऑफ था हर एक सवाल कितने का था ढाई नंबर का था तो अगर मैं 160 को ढाई से डिवाइड करता हूं तो आई गेट 64 इसका मतलब अगर किसी ने 120 में से 64 ठीक किए ओबवियसली नेगेटिव मार्किंग वाले मार्क्स को घटा के तो उसको इंटरव्यू कॉल आया इन द ईयर 2017 अब इससे हम क्या चीज दिखती है कि एग्जाम में हमें 60 से 70 के बीच में कट ऑफ हमारा जा सकता है पर नहीं ऐसा नहीं सोचना है अगेन विद द डिफिकल्टी लेवल कट ऑफ भी काफी ज्यादा वैरी करता है और इसी बात को समझाने के लिए लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल कि जो ईपीएफओ का पेपर हुआ इन ईयर 2017 और फिर हुआ 2021 जो 2017 में ईपीएफओ का पेपर हुआ उसमें जिसके 120 में से अठावन सवाल ठीक थे जब मैं अठावन सवाल ठीक कर बोलता हूं तो नेगेटिव नंबर काट के वो लेवल नंबर हटाने में नेगेटिव मार्किंग वाले लेकिन 2021 में जब पेपर हुआ तो ये नंबर था 78 टू 80 अभी यूपीएससी ने डिस्क्लोज नहीं किया लेकिन हमने काफी स्टूडेंट से नो दिस फिगर ठीक है तो लुक एट दिस जंप जम्पावन से 78 कट ऑफ में 20 नंबर का जंप सो जम्पाइज इससे क्या सीखना है व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस कि जब पेपर देने जाओगे अपने दिमाग में सोच के नहीं जाना कि कट ऑफ कितना मुझे पार करना है हो सकता है तुम्हारा पेपर आसान हो तुम्हारा कट ऑफ एक में से एट्टी क्वेश्चन चला जाए हो सकता है तुम्हारा पेपर मुश्किल हो तुम्हारा कट ऑफ तो सिर्फ पचपन नंबर जाए एक में से अगर तुम्हारे मन में पहले है कि मेरा कट ऑफ तो फॉर एग्जाम्पल सेवेंटी जाएगा पेपर मुश्किल आ गया तु, तो, तुम तो तुमसे सिर्फ पचास पचपन सवाल ही बन पा रहे हैं तुम क्या करोगे यू विल बी अंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर की मुझे तो सेवेंटी स्कोर करने हैं तो तुम कुछ तुक्का मारना शुरू करोगे और वही नेगेटिव मार्किंग वन थर्ड तुम्हें तबाह कर देगी और तुम्हें घर आके लगेगा अरे अगर मैं जो आता था बस वो कर देता तो मेरा इंटरव्यू के लिए मेरा कॉल आ जाता सो so, लर्निंग क्या है अगर पेपर डिफिकल्ट लग रहा है तो सभी के लिए डिफिकल्ट है अगर तुम अगर तुमने तैयारी की है अगर ठीक है मतलब बिना तैयारी किए उठ के चले गए हो ना दो धोके सुबह फिर तो आ, सब डिफिकल्ट लगेगा ही लेकिन अगर तुमने अपना ईमानदारी से तैयारी किया है और तुम्हें पेपर डिफिकल्ट लग रहा है इसका तुम्हारे बाजू वालों को भी डिफिकल्ट लग रहा है और तुम्हें लगेगा कि वो बिल्कुल पेन से कुछ कुछ लिखे जा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या कर देगा पर गाइज डोंट वरी ऐसा कुछ पेपर में तुम्हारे आसपास कुछ आ, सुपर इंटेलिजेंट कुछ नहीं होता सब स्टूडेंट ही होते हैं वो भी उतना ही जानता है अगर तुमने अपनी मेहनत की है तो तुम्हें कट ऑफ के प्रेशर में नहीं आना जस्ट डू योर बेस्ट अगर आते हैं सिर्फ पचास कर दो अगर हो रहे हैं तो नब्बे कर दो जस्ट डू योर बेस्ट बट डोंट बी एनी प्री कंसीडर्ड नोशन की कट ऑफ कितना जाएगा इन दिस शॉर्ट वीडियो विल अंडरस्टैंड हाउ यू गाइज विल प्रिपेयर फॉर UPSC labor enforcement officer exam with human paritas. So to make you understand that process, let us go to website of human paritas. So once you are on the home page of human paritas, we'll go to the page for labor enforcement officer UPSC. And once we are on this page, we'll come to this section where it is given how you will prepare with us. So as you can see, there are four steps of preparation. So let me explain you what you will do in these four steps for preparation of UPSC-LEO. So guys, and let us understand that with an example. Take any keyword of the syllabus. So maybe you can take factories act or you can take motivation theories uh, under HR, okay? So let us take the keyword of motivation theory. So the first thing which we will do is that you will read the topic of motivation theory through the concise printed booklets which will send at your home via courier so these are quite concise booklets and they will provide you 100% uh, coverage of the syllabus uh, current affairs are also included in these, uh, in these booklets only so once you have gone through that particular keyword of factory reject or motivation theory whatever you have selected you will go to the second step so guys, these video classes, these video classes will make you understand that keyword conceptually. So teacher will add its own value by telling you how to remember what is more important, what is less important and conceptually explain. Mind it, in these live classes, you can interact with the teacher. And interaction ka matlab ye nahi hai ki you can just uh, chat and ask your doubts you'll be speaking your doubts to that teacher guys your mic will be turned on or up directly teacher say up class may bath karke apne doubt discuss ge, as if you are in a physical class not just chat option which you get at uh, uh, most of the places these days another thing uh, if you miss any class uh, definitely you'll end up missing few classes because of your uh, because of your time you you will also get recorded video of every class now so these are step number one and step number two. Step number one is concise booklet. step, step number two is video classes. Ab kuch log aise bhi karte that they will watch video classes first and they will read and then they will read from the booklet. So that depends upon you how you guys want to take it. but these are the two steps. Now if you want to assess the quality of teaching in these video classes, quality and style of teaching in these video classes,

uh Quality of content in these printed booklets. Again, these are the sample booklets, but you index page. Pura 10-15 pages bhi And this will give you a good idea how content has been arranged in these concise booklets. Uh, now, guys, step number one and step number two are done. So you have understood that particular keyword from uh, booklets as well as video classes. Then we'll move on to step number three. and this is 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 the most important step. Step number three is what? Step number number what? a online question bank which has got more than questions. questions But these questions have been sub -divided in more than 120 sub topics. ठीक है जैसे कि पूरे एचआर को हमने कम से कम अठारह बीस टॉपिक में डिवाइड कर दिया हर एक में कुछ होंगे चालीस सवाल पचास सवाल अस्सी सवाल हंड्रेड सवाल छोटे छोटे हमने उसे कर दिया सो so एक बार अगर आपने फैक्ट्री एक्ट का टॉपिक बुकलेट और वीडियो क्लास में आपने समझ लिया है सो यूल गो ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म एंड फॉर दिस वन पर्टिकुलर टॉपिक ओनली ऑफ मोटिवेशन थ्योरी यू विल डू अराउंड एटी टू हंड्रेड क्वेश्चन फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली ठीक है तो सिमिलरली आप एक एक कीवर्ड उठा के आप अपना सारा सिलेबस पूरे करते जाओगे बाई गोइंग थ्रू दीज थ्री स्टेप्स नाउ गाइज

इसके जितने भी पेपर हुए हैं पिछले आठ नौ साल में आई थिंक अठारह से बीस पेपर हुए हैं टोटल यूपीएससी के वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे ऑफ कोर्स हमने इसको तोड़ दिया है व्हाई बिकॉज वी वांटेड टू गिव यू क्वेश्चंस ओनली फॉर एग्जांपल इनमें से कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर नॉलेज के सवाल भी आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के भी आते हैं या फिर आ, या फिर इंडियन इकोनॉमी के आते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के आते हैं ये सब हमने आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया है सो इल गो थ्रू ओनली

एक्टेवरी क्वेश्चन कम्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सो वाई दैट इज इंपोर्टेंट अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे और आपको वो नहीं समझ में आता है तो उसका आंसर देखोगे देन यूल गो थ्रू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ विदर सो दैट आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए दोबारा से बुक या वीडियो नहीं देखना पड़ेगाट एंड वीडियो क्लासेज

हो जाएगा सो गाइज वट इज अवर प्रोमिस इफ यू गो थ्रू दीज फोर स्टेप्स विद ह्यूमन पेरिटस आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है यू डोंट हैच एनी अदर बुक यू डोंट हैुक एट प्रीवियस ईयर पेपर नथिंग एल्स वट एवर विल गिव यू इवन इफ यू हैव समुक्स फुट दम असाइड वट एवर विल गिव यू गो थ्रू दैट एंड यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम We we adopted the same approach in previous exam in 2017. There were 35 seats all over India. Out of them, seven people were from uh, Human Peritus uh, preparation plan. So every fifth guy in the country was a Human Peritus student, and we are pretty confident. If you do this then you.

ज ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी करंट अफेयर में तुम्हें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है लाइव क्लासेज सो दैट यू गैट द रियल वैल्यू एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउटिंग यूट Uh, discuss anything you want to agree with us you want to disagree with us you are you are most welcome so uh, uh, you can call us anytime there is also another link given in the description below if you click on that link that will connect you directly with our team via whatsapp click on that link get connected and do let us know whatever you feel like all the best